हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूरज भान अपने होने वाले समधी सुनील और समधन उर्मिला से बात करते हुए कहता है, देखिए भाई साहब, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है और किसी चीज की कमी नहीं है। और अब तो आपके परिवार से हमारा रिश्ता भी जुड़ने वाला है। जी जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए, जो वो अब इतने बड़े और नामी परिवार की बहू बनने जा रही है। आज रिश्ता तय हो गया है, अब जल्दी से पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। बिल्कुल सही कहा पूनम के पिताजी ने, अब जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के शादी करवा देते हैं। रिश्ता तय हुआ है तो शादी भी हो ही जाएगी, वैसे हमें किसी चीज का मोह नहीं है। आप जो भी अपनी बेटी को दोगे हमें खुशी खुशी स्वीकार है, बाकी आप समझदार हो। ये कोई कहने वाली बात नहीं है भाई साहब, मेरी जितनी हैसियत है मैं उससे कई गुना ज्यादा करने की कोशिश करूँगा। आपको और बारात में आए हर बाराती को निराश नहीं होने दूंगा। आपने इतना बोल दिया, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा तो अब हम चलते हैं। इतना कहकर सूरज भान वहाँ से चला जाता है। सूरज भान के जाते ही वहाँ सुनील की बेटी पूनम आती है और पूनम अपनी माता पिता से कहती है, पिताजी मैंने कुछ नहीं कहा, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी, लेकिन ये मत सोचना कि मैं आगे भी चुप रह जाऊंगी। शादी मेरी है तो मेरी शादी में सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। बात क्या करना है तुझे अपनी शादी में? अरे भाई हमारी इकलौती बेटी की शादी है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, तू जो कुछ बोलेगी वही होगा। पिताजी आजकल ना फोन में बहुत रील आती है कि दुल्हन मारुति कार में आ रही है, कमल के फूलों से गाड़ी सजी है, और लेकिन ना मुझे ऐसे नहीं करना। मैं जाट की बेटी हूँ तो मैं अपनी जाटने वाली अंदाज में आना चाहती हूँ, नाजुक सी कली बनकर नहीं जिसे अगले ही दिन सब भूल जाए। तेरी बातें हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं। जो बोलना है ना थोड़ा साफ साफ बोल कि हमें कुछ समझ भी आए, वरना तो तू बोलकर अपनी बात खत्म कर देगी और हम दोनों यूं ही समझते रह जाएंगे। माँ मुझे अपने ससुराल में ना बुलेरो में जाना है, ताकि मेरे ससुराल वाले भी देखें और कहें कि क्या बहू आई है जिसने आते के साथ ही ऐसा तहलका मचाया कि सब लोग हैरान हो गए। बेटा इतनी भी मत कर कि हम जो अपने घर का तहलका दूसरे के घर में विदा करने की सोच रहे हैं वो घूम फिर कर वापस हमारे ही घर आ जाए, अब और नहीं झेला जाएगा ये तहलका। क्या पिताजी आप भी मुझे ऐसे बोल रहे हो, देख लेना जब ये तहलका अपने ससुराल जाएगी ना तो वहाँ रौनक कर देगी, लेकिन यहाँ से जाऊंगी ना तो यहाँ सुना हो जाएगा। हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रही है हमारी बच्ची, इसके यहाँ रहने से तो पूरे घर में रौनक है। अच्छा अभी बस रिश्ता हुआ है और तुम दोनों माँ बेटी इतना रोना धोना शुरू कर रही हो? और पूनम अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूँगा जो तू चाहती है। पूनम का रिश्ता तय हो गया था इसलिए घर में सभी लोग खुश थे। वहाँ सूरज भान का बेटा अमित उससे कहता है, पापा आपने लड़की वालों से सारी बात कर तो ली, उन्हें हमारी शर्त मंजूर तो है ना? अरे मंजूर क्यों नहीं होगी, अरे इतना अच्छा रिश्ता कौन जाने देगा अपने हाथों से, इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा वो लोग मान गए। लेकिन अमित बेटा अब भी मुझे उन लोगों से कुछ लेना ठीक नहीं लग रहा। पापा सब ठीक है, अरे वो जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी को देंगे, वो इस्तेमाल करेगी। अरे हमारा क्या है, हमें ये थोड़ी करना है कुछ। और वैसे आपने उन्हें कह तो दिया कि हमें चार चक्के वाली गाड़ी बुलेरो चाहिए। हाँ चार चक्का तो कह दिया है लेकिन बुलेरो का नाम नहीं कहा, कोई सी भी दे दे क्या हो जाएगा? पापा बहुत कुछ हो जाएगा, आप उन्हें ना फोन करके बोल दो कि बुलेरो ही डिमांड किया हमने, वही चाहिए हमको, हम लड़के वाले हैं, हमारी थोड़ी बहुत तो बात मानेंगे ही, उनका फर्ज भी बनता है और हमें तो इच्छा रखनी चाहिए ना उनके सामने। हाँ तो तेरे कहने पे बोल तो दिया, अब उन्हें जो ठीक लगे वो देंगे। ऐसे थोड़ी होता है पापा, उन्हें तो साइकिल अगर ठीक लगी तो वो दे देंगे, फिर तो आप बोलोगे कि साइकिल क्यों दी, बुलेरो क्यों नहीं दी, इसलिए कह रहा हूं पहले बोल दो। लेकिन कुछ नहीं, आप जाओ और उन्हें बोल के आओ हमें बुलेरो चाहिए। अमित के कहने पर सूरज भान उन लोगों से बुलेरो की डिमांड करने लगते हैं, जिसके बाद सुनील भी मान जाता है उन्हें बुलेरो देने के लिए। ये सुनकर पूनम काफी खुश होती है। वही हुआ जो मैं चाहती थी, अब तो मेरी बारात बुलेरो में ही जाएगी, मैं तो पहले ही बोल रही थी कि आप बुलेरो ले लो मेरी बारात के लिए। पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ तू भी बार बार बुलेरो ही लेने की बातें कर रही है
और वहाँ वो लोग भी यही बोल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जो सबको सही लगेगा वही होगा। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ ही जाता है और अमित पूनम की धूमधाम से ही शादी हो जाती है। जब विदाई का समय आता है तो पूनम सबसे कहती है, मैं तो जाऊंगी बुलेरो में। हाँ बहू, तू और अमित दोनों ही जाएंगे? नहीं ससुर जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी विदाई बुलेरो में हो और जिसमें मैं अकेले आऊँ, और आप सब दूसरी गाड़ी से आना। पापा ये थोड़ी हो सकता है, अब हम पति पत्नी हैं, तो हमको साथ ही जाना चाहिए। हाँ ससुर जी, अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शादी तो एक बार होती है ना, और वैसे भी अब हम दोनों को हर जगह तो एक साथ जाना है, इसीलिए क्या मैं अपने ससुराल में बुलेरो में नहीं आ सकती? बहू बिल्कुल सही कह रही है, अरे उसकी भी तो इच्छा सुननी चाहिए। बहू हमें कोई एतराज नहीं है, तू बुलेरो से जाए या कैसे भी जाए, बल्कि हमें तो अच्छा लगेगा और लोग भी देखेंगे कि सूरज भान की नई बहू बुलेरो से आई है, लोग भी तारीफ करेंगे हमारी। चल बहू तू भी चल। सब लोग पूनम की बात मान लेते हैं और पूनम की विदाई बुलेरो में ही होती है। और जब पूनम अपने ससुराल बुलेरो में आती है तो सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और काफी बातें करते हैं। ये सब देखकर पूनम अमित से कहती है, देखा अमित, मैंने कहा था ना, नई बहू तो बुलेरो में आएगी और लोग भी देखते रह जाएंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, मान गए, आखिर वही हुआ जो तुमने कहा था। तुम जीती मैं हारा। तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे से पहले मिले हो? हाँ पापा, हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, और पूनम के पिता और आप दोनों प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थे, तो हमें तो प्रेम विवाह करना था, तो आपकी मर्जी भी चाहिए थी, आपके आशीर्वाद के बिना कहाँ कुछ हो सकता था, इसलिए हमने ये सब किया। और शादी से पहले मुझे अमित ने कहा था कि मैं अपने ससुराल में अकेली नहीं आ सकती, और उसी बातों के बीच में हम दोनों में ये शर्त लग गई थी कि मैं बुलेरो से आऊंगी ससुराल में। पापा सब आपकी मर्जी से हुआ है, अब आप गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि पागल बनाया हमने आपको, लेकिन कुछ किया नहीं ऐसा वैसा। पूनम को भी आपने पसंद किया है खुद से, और पूनम भी यहाँ बुलेरो से आने वाली थी ताकि इज्जत बढ़े हमारी, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा तो ये बात है, वही तो मैं सोच रहा था कि तुम दोनों बुलेरो लाने के लिए क्यों कह रहे हो, मुझे लगा ही था कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन अब समझ में आया। ससुर जी अगर आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हम दोनों आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए ही ये सब किया, और अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए गलत होते तो आप लोग खुद ही हमारा रिश्ता तय नहीं करते, और इसलिए हम दोनों ने शादी के बाद यहाँ आकर आपको सारा सच बता दिया, और आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे हम, क्योंकि छोटा ही सही, झूठ तो झूठ होता है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने मुझसे झूठ कहा है, जिसपे मुझे गुस्सा तक नहीं आया, शायद मेरी ही गलती थी, शायद हमारी ही गलती थी, हम बच्चों के बड़े होने पे बंदिशें लगा देते हैं, उन्हें जीने नहीं देते, जिसके कारण उन्हें झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों ने मुझे सच बताने की हिम्मत रखी। इसका मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, और वैसे भी बुलेरो से आई है हमारी बहू, पूरे गांव वालों के आगे हमारा नाक ऊंचा हुआ है। बुलेरो में आई बहू से सूरज भान काफी खुश हो जाता है, और बाद में भी हर कोई उसकी तारीफ ही करता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।